नमस्कार, आप देख रहे सत्यमेव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ योगिता शर्मा। ये बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं हम आपको गुजरात के बनासकांठा से, जहाँ पिछले काफी समय से सरकारी अनाज का काला कारोबार जोरों से चल रहा है। ये अनाज सरकार द्वारा गरीबों को सस्ता भाव में राशन कार्ड के जरिए वितरित किया जाता है, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और ही है। सरकार द्वारा दिए जा रहे गरीबों को अनाज इन राशन माफियाओं के लिए बहुत ही बड़ा बिजनेस बन गया है। बनासकांठा जिले में ऐसे बहुत सारे निजी गोडाउन हैं जो सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाला सस्ता अनाज बारों बारी पैकिंग बदल कर मार्केट में ऊंचे दाम में बेच रहे हैं। कुछ समय पहले चार जाबाज पत्रकारों ने सरकारी अनाज का जत्था अवैध रूप से बेचने वालों का पर्दाफाश किया था और सबूतों के साथ उच्च अधिकारियों को जानकारी भी दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मगर इन अनाज माफियाओं ने पैसे के बल से पत्रकारों पर झूठा केस दर्ज करवा दिया और अपने किए हुए कर्मों को छुपाने के लिए पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से काला कारोबार यूं ही चल रहा है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकारी गोदाम से हजारों टन हजार अनाज हर दिन निकलता है, तो क्या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है, या फिर कारोबार में किसी जवाबदार अधिकारी का हाथ है जो पैसों के लिए गरीबों के मुंह से रोटी का निवाला छीन रहा है। आखिर क्यों इस तरह के मामलों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो सबूतों के साथ सरकारी दफ्तरों में कई बार जानकारी देते हुए भी कोई उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं करने को तैयार है। आखिर कब रुकेगा ये सरकारी अनाज का काला कारोबार, या फिर यूं ही इन माफियाओं के हौसले बुलंद होते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस खास और बड़ी खबर में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखना ना भूले सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।